कैटेगरी स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की क्लास में आज हम बस ट्रिक्स वगैरह सीखेंगे सीट पे। सबसे पहले तो जानते ही आपने डेट और टाइम का फार्मूला बताया ही थे, फार्मूला बताए थे ना, याद आ रहा है ना, टूडे वाला और इक्वल टू नाउ वाला याद आ रहा है ना, और शॉर्टकट की भी बताए थे। डेट लाने की शॉर्टकट की क्या थी? कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। क्या था? कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन से डेट आता था, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ दबाने से टाइम आता था, डेट ऑफ टाइम आता था। बताया था शॉर्टकट की, शॉर्टकट की था, ठीक है। अच्छा एक और चीज तो मैं डिलीट कर दिया। अब देखिए ये आपका फार्मूला बार है, जानते ही आप लोग। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा एरिया ए, मैंने थोड़ा सा बाउंड्री लगा दी है, इसको बॉर्डर लगा दिया। अब मान लीजिए हमारी एक दुकान है जहाँ हम केजी या लीटर में चीजें बेचते हैं, मान लो केजी में बेचते हैं, तो हमने मान लो कोई क्वांटिटी लिखी 10 केजी, लिखना पड़ता है केजी। क्यों ना हम सोचते हैं क्यों हम 5 लिखते अपने आप केजी आ जाता, नहीं आ रहा है, हमको केजी लिखना पड़ता है बारे। और केजी लिख भी लिए तो बाद में अगर जोड़ना हो तो 10 और 5 केजी कितना हुआ? तो जोड़ने के लिए इक्वल टू 10 प्लस 5, और इंटर करके आंसर क्या आ रहा है? मतलब गड़बड़ हो जा रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में किया क्या जाता है कि क्यों ना हम कोई तरीका अपनाएं जिससे अपने आप केजी भी आने लगे और जोड़ने पे अमाउंट भी आए बराबर, मतलब तो हाथ से लिखने से तो आंसर नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन के लिए करते क्या है बच्चों, सबसे पहले हम एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं जितने एरिया में हमको ये चीज रखना है, और यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है उसके सामने एक एरो बना हुआ है, क्लिक करिए क्लिक। और यहाँ पे आपको आना है कस्टम में, पता है ना, जब भी अपने अनुसार कोई चेंजिंग करनी हो कस्टम में जाते हैं कस्टम में, और यहाँ लिखना है 0 स्पेस देके डबल एंड कॉमा में 0 kg। अच्छा स्पेस क्यों दिए हैं? ताकि जब आप क्वांटिटी लिखें तो क्वांटिटी और इसकी यूनिट में थोड़ा स्पेस रहे, मतलब 25 और kg थोड़ा दूर दूर लिखे, इन्हें चिपक के ना लिखे, इसीलिए स्पेस लगाए हैं। 0 क्या है? कोई भी वो है, क्वांटिटी है। मतलब 0 की जगह कुछ भी लिखेंगे आप, 0, 5, 2, 3 जो भी। और स्पीड देखिए केजी क्या लिखे हैं? यूनिट लिखे हैं। केजी क्या है? यूनिट है। अब इससे फायदा क्या हुआ? अब यहाँ लिखिए 15, इंटर कर देखिए केजी अपने आप आ गया, 20 केजी अपने आप आ गया। अब दोनों को जोड़ना है तो इक्वल टू 15 kg प्लस 20 kg, और इंटर मारी देखिए आंसर आ गया, आंसर मारी देखिए आंसर आ गया, सही आ गया है। बस आसान सा तरीका है। तो ये लिख लीजिएगा कि अगर हमें सीट पे किसी यूनिट पे काम करना हो, अगर शीट पे एक्सेल शीट पे हमें किसी यूनिट में काम करना हो, अगर एक्सेल शीट पे हमें किसी यूनिट में काम करना हो, यूनिट में उसके लिए क्या करेंगे? एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जिस एरिया में काम करना है हमें, एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, और कहाँ जाएंगे? इन नंबर के सामने जो एरो बना हुआ है, नंबर नंबर के सामने जो एरो बना हुआ है ना, यहाँ पे जाएंगे एरो नंबर, उसके बाद कहाँ जाएंगे? कस्टम में, और यहाँ लिखेंगे क्या? 0 स्पेस देके डबल कामा में, अगर लीटर में निकला हो तो इसी तरह केजी की जगह क्या रह जाएगा? लीटर रह जाएगा। मतलब ये आएगा सिलेक्टेड सेल में, एक बार सिलेक्शन करेंगे तो एक बार में एक ही होगा, या तो केजी या तो लीटर, इशारा नहीं होगा। तो हाँ बदल सकते हैं, हाँ, हाँ बदल, बिल्कुल अलग अलग कॉलम पे काम कर लीजिएगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, हो जाएगा अलग अलग। अच्छा ये बताइए, मान ली मुझे अकाउंट नंबर लिखना है अपना, मेरा अकाउंट नंबर है 401-6000-102-0
18926 ये मेरा अकाउंट नंबर है। लेकिन जैसे मैं इंटर मार रहा हूँ देखिए क्या होगी। अच्छा ठीक है, त्रिभुवन का कहना है कि थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। जबकि सेल में ये दिखा रहा है कि सेल में अकाउंट नंबर ही है, ये देखिए। तो ऐसी दिक्कतें देखने को मिल सकती है जब भी हम मोर देन 11 डिजिट एक्सेल में डालते हैं, तो ऐसी दिक्कतें मिल सकती हैं। एक्सेल पे कहीं जाएंगे तो यही सब देंगे लो, ऐसा थोड़ी नहीं लगेंगे टॉपिक करवा दो, ऐसी समस्याएं देंगे जब आप उलझ जाएंगे, और यही एडवांस एक्सेल कहलाता है। तो ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या, जिस सेल में या जिस कालम में अकाउंट नंबर लिखना है उस कालम को सिलेक्ट करिए, नंबर पे जाइए, अगेन टेक्स्ट पे जाइए और ओके कर दीजिए, बस हो गया। अब देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ अकाउंट नंबर 401-6000-102-189-266 189 लिख गया, 89266। देखिए ना, देखिए इस बार आ रहा है ना अकाउंट नंबर, आ रहा है नहीं पूरा। तो लिखिएगा कि अगर एक सेल में मोर देन 11 डिजिट रखना हो, एक सेल में 11 अंक से ज्यादा अंक डिजिट लिखना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यह काम करना पड़ेगा क्या, चाहे सेल हो चाहे कॉलम हो सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे कॉलम हो चाहे सेल हो क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, वही नंबर वाले एरो पे, और कहाँ क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट पे देख लीजिए और ओके कर देंगे। टैक्स पे क्लिक करके ओके कर देंगे। हो गया, जैसे 1-2 हम लिखते हैं ना कहीं, यहाँ लिख दिए 1, यहाँ लिख दिए 1 और यहाँ लिख दिया 2, और ड्रैग कर देते हैं तो आ जाता है ना, तो ड्रैग करिए लाइए आंसर 10 तक लाइए कम से कम। ऐसे कंडीशन में कहाँ जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे और जाएंगे ऑप्शंस पे, कहाँ जाएंगे ऑप्शंस पे, फिर एडवांस में जाएंगे, और एडवांस में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन होगा इनेबल फिल हैंडल सेल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, इसको टिक करके ओके कर देंगे, अरे टिक करके ओके कर देंगे, एडवांस एडवांस ऊपर है, हाँ क्लिक करिए ओके करेंगे, ओके करने के बाद से अब ड्रैग करने वाला ऑप्शन दिखने लगेगा आपको, और ट्रैक करके आप जहाँ तक चाहिए जा सकते हैं। ऐसी दिक्कतें आएंगी आकर, तो आपके साथ अगर आती हैं तो ऐसा याद रखिएगा, एक तरीका है वो नोट कर लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन भी, दो ऑप्शन नोट कर लीजिए फिलहाल में, एक एडवांस में पहला लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए दो ऑप्शन लिख लीजिएगा, ऑटोमेटिकली इंसर्ट डेसिमल पॉइंट और इनेबल फिल हैंडल ड्रैग, दोनों ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग।
गया। जी चलिए अच्छा, आपने देखा है कि जनरली एक्सेल में आप इंटर दबाते हैं, कहाँ जाते हैं? नीचे जाते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको काम ऐसा मूव करना हो, राइट डायरेक्शन में मूव करना हो, अगर आपकी आदत गंदी हो गई इंटर दबाने वाली, एरो दबाना पसंद नहीं करते हैं, तो क्यों ना हम इंटर का पोजीशन ही चेंज कर देंगे। इंटर दबाए तो राइट साइड में मूव करो, इंटर दबाए तो ऐसे ना मूव, इंटर दबाए तो ऐसे ना मूव करे, ऐसे मूव करे। उसके लिए भी ऑप्शन है, यहाँ पाएंगे फाइल पे ही, ऑप्शन पे ही, एडवांस पे ही, और यही ऑप्शन है आफ्टर प्रेसिंग इंटर मूव सिलेक्शन, कहाँ है? डाउन है, तो क्या कर दिए? राइट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए मैं इंटर दबा रहा हूँ, इंटर, उनको पता है इधर ही मूव करके हमको काम करना है, तो इधर ही काम करेंगे, कर लेंगे ना, सही कर दीजिएगा वापस, ये नहीं कि ऐसे करके छोड़ दीजिएगा आप लोग। अच्छा आप लोग 1 2 3 लिख के ड्रैग करते हैं, हो जाता है ना, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, और ड्रैग करते हैं तो आराम से हो जाता है, हो जा रहा है ना। या लिखते हो जनवरी, फेब्रुअरी, ये क्या जी? अच्छा इंटर दबा दे रहे हैं ना, अभी सही हुआ नहीं लग रहा है, क्लोज कर दिए हैं क्या? कर दिया परेशान हम कहे, परेशान हो गए भाई। जनवरी, फेब्रुअरी, और ड्रैग करते तो आ जाता है ना, बाकी देखिए आ रहा है, लेकिन वही अगर यहाँ लिख के ए बी और ड्रैग कर रहे हैं, आ जा रहा है क्या जी? तो सेटिंग लग रहा है हम पढ़ाए इससे पहले वाले भी सही कर दिए हैं, तो ए बी सी डी करिएगा आपके में नहीं आएगा, कारण क्या होता है? तो कैसे लाते हैं इसको, फाइल पे आइए, ऑप्शंस पे आइए, ठीक है, थोड़ा नीचे आइएगा इसमें, एडवांस में, थोड़ा नीचे नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे, और यही एक ऑप्शन आएगा एडिट कस्टम लिस्ट, क्या लिखा हुआ है? क्लिक करिएगा, यहाँ सब लिखा हुआ है क्या क्या इसमें ऐड किया गया है, सब पहले से देखिए, संडे मंडे ऐड किया गया है, पूरा में संडे मंडे किया गया है, 60 में जनवरी फरवरी, पूरा में जनवरी फरवरी, ABCD, ABCD रीड कर दीजिए। ओके ओके कर दीजिए, अब लिखिएगा, फिर ओके करिए, अब लिखिएगा ए बी, अब ड्रैग करिए, तो ऐसे ही होगा आप लोग में भी, ए बी ए बी, तो कैसे सही करेंगे इसको? फाइल में जाना है, ऑप्शंस में, एडवांस में, नीचे कौन सा ऑप्शन आएगा? एडिट कस्टम लिस्ट, क्या आएगा? और यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू लिस्ट पे क्लिक करके यहाँ लिस्ट टाइप कर देंगे, क्या ए कामा बी कामा सी, तुम्हारे जितना दिमाग नहीं है उसके पास, और ऐड कर देंगे, ओके कर देंगे, गलत लिख दिया क्या? अगर गड़बड़ हो गया होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ये देख रहे हो डॉट लगाए यहाँ पे, ये डॉट नहीं लगा, कामा लगाना है, ए कामा, अब देखिए अब सही हो गया, हो रहा है ना?
यही आज की क्लास में आप लोग करना है, और भी जो भी चीजें मुझे मिलेंगी तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल में 61 ट्रिक्स आपको आना चाहिए, कई लोगों को पता नहीं होगा। देखिए किसी से पूछे ना है, तुम्हें अकाउंट नंबर लिख के दिखाओ 16 अंक का 12 अंक का, जो बहुत एक्सेल पढ़ा है पूछ लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।